टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस बताऊंगा। कॉन्टिनेंटल डिशेस का मतलब कि कुछ यूरोपियन, कुछ फ्रेंच, कुछ ऐसी डिशेस जो हिंदुस्तान में खाई तो जाती हैं लेकिन उसकी इजाद हिंदुस्तान में नहीं हुई। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं कुछ इंडियन फ्लेवर्स दूंगा, कुछ इंडियन टेस्ट दूंगा ताकि आप सब लोगों को पसंद आए। शुरुआत करते हैं प्रॉन रोल से। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, 3/4 कप दूध, चुटकी भर नमक, 2 अंडे, 3 बड़े चम्मच तेल, 250 ग्राम प्रॉन्स, 2 मीडियम साइज प्याज बारीक कटे हुए, 1/2 कप ग्रेटेड गाजर और 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इस डिश के लिए सबसे पहले आप प्रॉन्स ले लें। इस डिश के लिए हेडलेस और बिना शेल के प्रॉन्स चाहिए। चीरा लगाकर प्रॉन को साफ कर दें और उसके बाद प्रॉन को हमने काटना है छोटे छोटे पीसेस के अंदर इस तरह से। अब इसके बाद हम पैनकेक का मिक्सचर तैयार करेंगे, रोल करेंगे पैनकेक के अंदर। और पैनकेक बनाने के लिए आप मैदा ले लें और मैदे में थोड़ा सा नमक, 1 छोटे साइज़ का अंडा। अंडे भी कई तरह के आते हैं, कई साइज़ के आते हैं, इसलिए छोटा अंडा 1 इसके अंदर। इसे मिक्स कर लें और अब इसके अंदर मिलाएं दूध। यदि आप चाहें तो इसे बिना अंडे के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉन खा सकते हैं तो अंडा तो खाते ही होंगे। वैसे इसकी जो फिलिंग है वो चेंज भी की जा सकती है। वेजिटेरियन लोगों के लिए आप फिलिंग इसमें बदल सकते हैं, पनीर की फिलिंग डाल सकते हैं, प्रॉन की जगह पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप फिलिंग वेजिटेरियन डाल रहे हो तब आप अंडे की जगह इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालें और बाकी सारी चीज़ें यही अच्छी तरह से फेंट लें। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर डालें। ये जो दूध इसके अंदर डालें वो गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर दूध इसके अंदर डालें। अब इस बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। यदि इस बैटर के अंदर कुछ लम्प्स बन जाएं, तो आप इस बैटर को छान भी सकते हैं। इस बैटर में छोटे छोटे लम्प्स मुझे दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम छान लेते हैं। आप इसको छन्नी या मसलिन क्लॉथ में से छान लें। ये देखिए, अब इस बैटर से हम बनाएंगे पैनकेक्स। एक नॉनस्टिक पैन आप गर्म कर लें और उसके बाद 1 करछी भर कर इसमें, 1 बड़ी करछी भर कर ये बैटर इसके अंदर डालें और इस तरह से उसे फैला दें। और अब इसको पकने के लिए रख दें धीमी आंच पर। जब तक ये पैनकेक पकता है इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में तेल गरम कर लें आप, और तेल गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें डालें प्याज, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे हम गरम तेल में। साथ साथ इस पैनकेक को हम देखते हैं, इसे हमने धीमी आंच पर पकाना है और वो भी सिर्फ 1 साइड से। प्याज जब ये सॉफ्ट हो जाए तब प्रॉन्स इसके अंदर आप डालें। और प्रॉन्स को प्याज के साथ पकाना है। प्रॉन्स को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसको जैसे जैसे हम टॉस करते रहेंगे ये प्रॉन्स पक जाएंगे। प्रॉन्स को टॉस करने के बाद
अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। ये सॉस बाज़ार में तैयार मिलती है। यदि आपके पास ये सॉस ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा तीखी कोई चटनी डालें या हरी मिर्च की पेस्ट डालें और उसमें नमक और सिरका डालें। और अब इसके अंदर डालें ग्रेटेड कैरेट, गाजर को ग्रेट करके इसके अंदर डालें, इसे मिक्स कर दें। ये जो सॉस हमने डाली है उसमें काफ़ी नमक रहता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा नमक इसके अंदर डालें। साथ साथ ये पैनकेक भी आप देखते रहें। ये देखिए, अब ये साइड से ये पैनकेक निकल रहा है, तो इसका मतलब है ये पैनकेक अब तैयार हो गया है। इसको आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ये पैनकेक अब रेडी हो गया है, ये देखिए दूसरी तरफ से और ये इस तरफ से। इसके अंदर थोड़ा सा आप चाहें तो पार्सली डाल सकते हैं, पार्सली को तोड़कर इस तरह से इसके अंदर डाल दें। अब ये जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है। थोड़ी सी इसमें और कसर है, आप एक अंडा तोड़ लें, अंडे को हल्का सा फेंट लें और इसमें थोड़ा अंडा डालें और इसे मिक्स कर लें। इस अंडे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमने। अब ये फिलिंग तैयार हो गई है, गैस को बंद कर देते हैं हम। इसके बाद इस स्टफिंग को हम डालेंगे इस पैनकेक के अंदर। इसे इस किनारे पर डालें आप और इसके बाद इसे फोल्ड कर लें इस तरह से, यहाँ से पकड़ें और इसे अपनी तरफ खींच लें ताकि इसमें जो स्टफिंग है वो पूरी तरह से इसके अंदर आ जाए और बिल्कुल बाहर ना निकले। इस तरह से आप चाहें तो इधर इसे सील भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से इसको सील किया जा सकता है ताकि इसकी जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। जब भी आपने ये चीज़ सर्व करनी हो, ये डिश सर्व करनी हो, उस समय पैन के अंदर थोड़ा सा तेल लें और जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो यहाँ और यहाँ पर अंडा लगाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से आप तेल में इसे शैलो फ्राई करें। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब गर्मा गर्म इसे आप सर्व करें, चाहे तो छोटे छोटे पीसेस के अंदर, नहीं तो इसी तरह से। लोग बहुत ही टेस्ट के साथ, बहुत ही आनंद के साथ इसका मजा लेंगे। पैनकेक बनाने के लिए आप मैदा में नमक और अंडा डालकर इसको मिला लें, उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको मिक्स करें और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें और उसको छान लें। उसके बाद एक नॉनस्टिक पैन के अंदर करीब एक बड़ी करछी भरकर इस बैटर की डालें और इसे फैला लें। जब ये एक तरफ से पक जाए तब इसे निकाल कर रख लें। इसकी फिलिंग के लिए एक पैन में तेल लेकर इसमें बारीक कटी प्याज डालकर इसे थोड़ा सौते करें। इसके बाद इसमें प्रॉन्स डालकर सौते करें। अब इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस डालकर मिलाएं। इसके बाद इसके अंदर ग्रेट की हुई गाजर डालकर मिलाएं। इसमें नमक और पार्सले डालकर इसे मिक्स करें। उसके बाद इसके अंदर एक अंडा फेंट कर डालें और इसे मिक्स करें और इस मिक्सचर को पैनकेक के ऊपर डालें और इसे फोल्ड करें और इसका रोल बनाकर इसे एक पैन में तेल लेकर शैलो फ्राई करें और सर्व करें। प्रॉन रोल के बाद अब मैं आपको बताऊंगा एक सॉस। ये पार्सले से बनी हुई सॉस है। सॉसेस बहुत आपने देखी होंगी लेकिन ये यूनिक सॉस है, अलग तरीके से बनती है और ये एक ऐसी सॉस है जब आपने खानी हो उसी समय बनानी पड़ती है। आप इसको तभी बनाएं जब आपकी इच्छा हो इस सॉस को खाने की। तो देखते हैं पार्सली सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप मैदा, 125 ग्राम मक्खन, 1/4 कप बारीक कटा हुआ पार्सले, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक स्वादानुसार और थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। पार्सली सॉस बनाने के लिए सबसे पहले आप पार्सली को बारीक चॉप कर लें, यानी उसको इतना चॉप करना है कि उसमें से आपको पत्ते नजर नहीं आए और एकदम महीन चॉप हो जानी चाहिए। पार्सली वैसे दो तरह की आती है, एक तो कर्ली पार्सली आती है और एक फ्लैट लीफ आती है। इस सॉस के लिए हमें फ्लैट वाली चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होता है और जो कर्ली पार्सले है वो गार्निशिंग में अच्छी लगती है, किसी चीज़ को सजाने में
जरा अच्छी ज्यादा लगती है। जब ये बारीक चॉप हो जाए उसके बाद इस सॉस की हम बाकी तैयारी करेंगे। मक्खन ले लें आप, इसमें हमने 125 ग्राम मक्खन डालना है इस सॉस के अंदर, लेकिन शुरुआत करेंगे सिर्फ 30 ग्राम से, यानी टोटल मक्खन में से करीब 1/4 हिस्सा मक्खन आप ले लें। और इस मक्खन को मेल्ट करना है, जिस पैन में आप इसे मेल्ट करें उसमें तेज आंच नहीं लगाएं, नहीं तो मक्खन काला हो सकता है, जल सकता है। और इसके साथ साथ एक पैन में आप किसी बर्तन के अंदर 1 कप पानी गर्म कर लें और अब इस मक्खन में डालें मैदा। इस मैदे को भूनना है इस मक्खन में हमने। इस समय इसकी थोड़ी सी आंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब इसको आप चलाते रहें। ये सॉस बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप व्हाइट सॉस बनाते हैं उसमें भी मक्खन और मैदे को इस तरह से भूना जाता है, यानी रू तैयार किया जाता है, लेकिन इस सॉस में मैदे और मक्खन की क्वांटिटी सेम नहीं है। जब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं तो मैदा और मक्खन सेम क्वांटिटी होती है, यानी उसकी मात्रा समान होती है। इसको जब आप भूनेंगे तो देखेंगे इसमें से जो मैदे का फ्लेवर है वो कम होता चला जाएगा, यानी जो कच्चा मैदा है उसका फ्लेवर कम होता जाएगा और भुने हुए मैदे की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। करीब 1 मिनट तक इस तरह से हमने मैदे को भूनना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर हम डालेंगे। ये पानी गर्म होना चाहिए। थोड़ा पानी डालने के बाद मिक्स कर लें और फिर दोबारा पानी डालें इसके अंदर। अब इस सॉस को हम सीजन करेंगे। इसमें डालें नमक और थोड़ा सा पेपर पाउडर। इसे मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मक्खन। पहले हमने मक्खन की क्वांटिटी डाली थी, लेकिन अब इस मक्खन को इस सॉस के अंदर हमने मिलाना है। ये जो सॉस है इसके अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में मक्खन रहता है। इस मक्खन को इस सॉस के अंदर मिलाएंगे। अब हम अभी तक इस सॉस के अंदर पार्सले नहीं डाली है, लेकिन अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई पार्सले। और जैसे मैंने आपको बताया, इस सॉस के लिए आप फ्लैट लीव पार्सले, यानी वो करली वाली जो पार्सले होती है वो नहीं, दूसरी पार्सले जिसके पत्ते फ्लैट होते हैं, उसमें फ्लेवर ज्यादा होता है, वो वाली पार्सले इस्तेमाल करें। पार्सले मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालें नींबू का रस। नींबू का रस एकदम लास्ट में। और जैसा मैंने पहले बताया, इस सॉस को बनाते साथ ही आपको सर्व करना है। इस सॉस को आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं। वैसे ये सॉस फिश के साथ बहुत अच्छी लगती है। कोई भी फिश की डिश हो, ग्रिल्ड फिश हो, उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। उस केस में आप पानी की जगह फिश स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें नींबू का रस डालते हैं और नींबू का रस डालने के बाद इसे मिक्स कर लें नींबू के रस को। जब नींबू का रस इस सॉस के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद गैस बंद कर दें। आपकी ये सॉस यानी पार्सले सॉस बिल्कुल तैयार है। इमीडिएटली सर्व करें। इसके लिए आप एक पैन में मक्खन और उसमें मैदा डालकर इसे भून लें और जब मैदा भुन जाए तब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालें और इसे मिला लें। इसके बाद इसके अंदर नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर इसे मिलाएं और अब इसके अंदर मक्खन डालकर इसे मिक्स करें। इसके अंदर बारीक कटा पार्सले डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं और बाद में इसमें नींबू का रस डालकर इसे मिक्स करें और सर्व करें। इस छोटी सी ब्रेक के बाद टाटा सॉल्ट खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ऐसे मौकों पर जब आप किसी को बुलाते हैं, किसी को खाने पे बुलाते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो निकल कर बाहर आएं। उस समय के लिए पकौड़े हैं, चीज़ के हैं, लेकिन
हमारे जो नॉर्मल हिंदुस्तानी पकौड़े होते हैं उससे बहुत फर्क है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप दूध, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़े साइज का अंडा और 150 ग्राम प्रोसेस चीज। चीज़ फ्रिटर्स बनाने के लिए सबसे पहले फ्रिटर्स का बैटर बनाएंगे और इस बैटर में हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैदा ले लें आप। आप चाहें तो इस मैदे के साथ नमक को छान सकते हैं, नहीं तो नमक बाद में डालकर उसको मिक्स कर लें। मैदे में नमक डालने के बाद अब इसके अंदर आप 1 अंडा डालें और अब इसे मिक्स कर लें। अंडा डालने के बाद, अंडे को मिक्स करने के बाद 1 कप इसमें दूध डालेंगे। रूम टेम्परेचर पर दूध होना चाहिए। ये जो बैटर है एकदम रनी नहीं होना चाहिए, काफी थिक बैटर होता है ये। ये बैटर बनाने के बाद इसको आप 1/2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख दें और जब आपने कोई भी फ्रिटर्स बनाने हो, यहाँ पर तो चीज़ के बना रहे हैं आप, किसी भी चीज़ के फ्रिटर्स बना सकते हैं, तब आप इसको एक बार और फेंट के इसके अंदर उसे डिप करें। यहाँ पर प्रोसेस चीज़ हम ले रहे हैं, प्रोसेस चीज़ के इस तरह से स्लाइसेस काट लें आप। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ के भी फ्रिटर्स बन सकते हैं। एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए आप रख दें और चीज़ बैटर के अंदर डिप करें और गर्म तेल के अंदर इसे डालें। चीज़ फ्रिटर्स के लिए जो आप चीज़ लें उसको थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है। देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया है फ्राई होकर। अब इसे बंद कर देते हैं हम और ये तैयार हो गए चीज़ फ्रिटर्स। जब भी आप चीज़ फ्रिटर्स को सर्व करें तो जिसको भी आप दें तो उसको पहले थोड़ा सा वॉर्न कर दें, क्योंकि चीज़ फ्राई होने के बाद मेल्ट हो जाता है, अंदर से काफ़ी गर्म रहता है। जो भी खाए थोड़ा सा ध्यान से खाना चाहिए। इसके बैटर के लिए आप मैदा में नमक डालकर इसे मिक्स करें, उसके बाद इसमें 1 अंडा डालकर इसे मिलाएं और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करें और इसका एक थिक बैटर तैयार कर लें और इसे करीब 1/2 घंटे तक रखें। उसके बाद चीज़ के पीसेस को काटकर इस बैटर के अंदर डिप करें और गर्म तेल के अंदर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और सर्व करें।